नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किया के सेल्टोस के बारे में आज बात करते हैं, जिसके भी पिछली वीडियो जो मैंने एलिवेट के बारे में बनाई थी उसमें भी कुछ बताए थे, कुछ झलक दी थी कि सेल्टोस बड़ी जल्दी ही नए अवतार के अंदर हमारे सामने पेश की जाएगी। तो उसमें क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्या चीज़ों के बारे में नया अपडेट आ रहा है, उसके बारे में हम बात जानकारी देते हैं। रात में लॉन्च कब होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, किया की सेल्टोस, किया ने आते ही सेल्टोस से शुरुआत की थी अपनी। जो पहली कार, पहला प्रोडक्ट इनका सेल्टोस ही थी, जो कि काफ़ी सफल भी रही, फीचर रिच गाड़ी और अपनी सेकंड के अंदर लुक में भी बड़ी शानदार गाड़ी थी ये। अब इसको तीसरा अपडेट मेजर जो है वो मिलने जा रहा है। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट के अंदर दोस्तों देखें कि जो इसके डियरल्स हैं वो थोड़े से अलग पैटर्न में, अलग डिज़ाइन में, अलग जगह पर प्लेस कर दिए गए हैं और उसके नीचे हेडलाइट्स पेश कर दी गई हैं, जबकि पहले उल्टा था। और उसके साथ ही जो इसकी मेश पैटर्न ग्रिल है वो थोड़ी बड़ी, थोड़ी ब्रॉड अप कर दी गई है। बम्पर को देखा जाए तो बम्पर फ्लैट कर दिया गया, थोड़ा और अच्छा दिखने में लग रहा है। और नीचे की जो उसके पैटर्न्स हैं वो भी कुछ अच्छे, कुछ रीस्टाइल्ड कर दिए गए हैं, जिनको कि देखने में एक नई गाड़ी की, रिफ्रेश गाड़ी की लुक आ रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब पुरानी और नई गाड़ी दोनों को हम देखेंगे तो कम्प्लीटली एक नई लुक की गाड़ी हमें देखने को नजर आएगी, जो कि हमें वाकई दिखेगा कि एक नई गाड़ी या एक फेसलिफ्ट वर्जन सेल्टोस का आ रहा है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो साइड प्रोफाइल में कुछ ऐसा खास हमें देखने को चेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं उनके डिज़ाइन में अंदर जरूर फर्क कर दिया गया है। हाँ, हालांकि हेडलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइट्स वैसे तो प्लेसमेंट चेंज कर दी गई, लेकिन उसका आइस क्यूब टाइप के जो अंदर का डिज़ाइन है प्रोजेक्टर का वैसा ही रखा गया है। साइड प्रोफाइल की बात हो गई, हमने साइड प्रोफाइल में भी देखा कि साइड में कोई भी चेंज मेजर नहीं दिखाया जाएगा, बस अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ही चेंज है। रियर में आकर देखें तो रियर में काफ़ी सारे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट में हमने देखा जो हेडलाइट्स की प्लेसमेंट है या डियरल्स की प्लेसमेंट है वो चेंज की थी, वैसे ही इनका डिज़ाइन टेललाइट्स का नया हो गया, बिल्कुल ही नए डिज़ाइन के हमें दिए जा रहे हैं, जो कि आजकल कनेक्टेड दोनों टेललाइट्स को करने का ट्रेंड चल पड़ा है। एक कम्प्लीटली नई लुक की गाड़ी हमें देखने को जरूर मिलेगी है। रियर का जो दरवाजा है या टेल गेट जिसको बोलते हैं वो भी एक नए डिज़ाइन के अंदर पेश किया गया, उसके साथ ही नीचे पिछला बम्पर जो है, रियर बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया, जो देखने में अच्छा लग रहा है। अब ज़्यादा सपोर्टियर साइड पे ले जाने की कोशिश की गई है इसके डिज़ाइन को। अगर बात करें इंटीरियर की तो इंटीरियर के अंदर हमें काफ़ी सारी नई रिफ्रेशिंग चीज़ें दिखेंगी। वैसे तो ये गाड़ी पहले ही फीचर रिच बहुत थी, लेकिन अब इसके अंदर मैंने फीचर्स की बात कर ले, क्या ऐड हो रहा है। एडास का फीचर सेफ्टी में आजकल हर एक कोई करता जा रहा है ऐड, तो अब ये जब फेसलिफ्ट आएगा तो इसके अंदर एडास का फीचर भी लेवल 2 इसके अंदर पेश किया जाएगा। वो देखने वाली बात होगी वो रडार बेस्ड होगा या कैमरा बेस्ड होगा, तो ये एडास का फीचर इसमें नया ऐड कर दिया जा रहा है। और देखने वाली बात है कि क्या इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ आएगी। मेरे हिसाब से आनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट राइवल या इसकी सिस्टर जो है उसके पास तो जरूर है, क्रेटा के पास है, और क्रेटा भी बहुत जल्दी फेसलिफ्ट हो रही है, तो इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ आना भी मेरे हिसाब से कन्फर्म ही होगा। अगर इसकी सीट की बात करें, सीट कुशनिंग वैसी ही है जैसे पहले थी, कंफर्टेबल थी, अब भी है। ब्राउन कलर के इन्होंने इंटीरियर दिखाए हैं तो देखने में कुछ अच्छी, कुछ खूबसूरत गाड़ी की फील आ रही है। फ्रंट और रियर सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, पहले भी था, अब भी वैसे ही रहेगा, कोई ऐसी चेंज बड़ी देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें इसके डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड में वेलकम करेगा हमारा ट्विन पॉड का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एक साइड पे MID होगा और एक साइड पे अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की चीज़ों को लेके चलेगा। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें होगा, जो कि 10.25 इंच की दो स्क्रीन्स होगी। आपने जैसे EV6 के अंदर देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इनका आता है, और महिंद्रा की XUV700 में हमने ये कंप्लीट लंबा एक टच पैनल हमने देखा था, एक डिजिटल कंसोल हमने देखा था, वैसा ही इसके अंदर आएगा। AC वेंट्स के डिज़ाइन को चेंज हो रहे हैं, बाकी इसके जो स्टेयरिंग व्हील उसमें कोई खास चेंज दिखाई नहीं दे रहा। इंजन की अगर बात करें, इंजन इसके अंदर पहले भी 3 आते थे, अभी वैसे ही 3 इंजन आते रहेंगे, लेकिन कुछ चेंज के साथ। 1.5 लीटर का नॉन टर्बो, 1.4 लीटर का टर्बो और 1.5 लीटर का डीजल टर्बो इंजन इसके अंदर पहले आता था, वैसे ही इसके अंदर आते रहेंगे, लेकिन कुछ चेंज के साथ। ऐसे कि जो 1.4 लीटर का, जिसको 1.35 था, 1.4 बोलते थे, वो वाला पेट्रोल टर्बो इंजन हटाकर अब 1.5 लीटर का टर्बो इंजन डाल दिया जाएगा, जो कि नई वाली वरना, अल्कज़ार और क्रेटा के अंदर भी हमने देखा है।
तो वही वाला इंजन इसके अंदर आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, वैसे के अंदर तीनों के तीनों इंजन आ जाएंगे। और अगर कहें ट्रांसमिशन की बात, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, IMT, CVT और DCT हर एक इंजन के साथ हमें मिलते रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा बैंड हमें ऑप्शंस के तौर पर मिल जाएगा। लॉन्च की अगर बात करें तो लॉन्च मेरे हिसाब से ये जुलाई के अंदर हमारे पास देखने को मिल जानी चाहिए। सारा कुछ रेडी है इसका, सारे डिज़ाइन की प्रोफाइल हमारे पास तैयार है, तो ये कुछ इस गाड़ी के साथ आ रहा है। और वैसे भी एनिवर्सरी मना रहे हैं अगस्त में 2023 में, तो इसके लिए इससे बढ़िया गिफ्ट कोई नहीं हो सकता अपने चाहने वालों के लिए। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, सेल्टोस 2023 के बारे में जानकारी कैसी लगी, पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।